आए भैया आगे चल जा रहा। हाँ चलिए, मैंने ये कभी खाया नहीं है, पहली बार टेस्ट करूंगा छोला पकौड़ी। तो चलो टेस्ट करते हैं क्या है ये। भाई मुझे सीधा अयोध्या की तरफ ड्रॉप करने के लिए आ रहा है भैया। थैंक यू सो मच। सीधा यहाँ अयोध्या के लिए ड्रॉप करने के लिए पहले तो भाई साहब 80 किलोमीटर में फिर से बाइक पे बैठ के आया हूँ। ये वेट इतना है ना, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। तो भाई ये देखिए पहले। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह की शुरुआत हो रही है। ये ब्रेकफास्ट थे और ये प्यारे से घर थे, जो कि वो मुझे कल लिफ्ट मिली थी बाइक के साथ उनके साथ ही। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। और भाई आज का प्लान बता देता हूँ मैं। अभी नेपाल नहीं जा रहा हूँ, मैं घूमने वाला हूँ यूपी। और नेपाल इसलिए नहीं जा रहा हूँ, वहाँ पे 5-6 दिन से बहुत तेज़ बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखी है। तो रास्ते भी बंद कर दिए हैं जाने के लिए। यहाँ से जो भी बॉर्डर थी ना, जो भी मतलब यहाँ से हम एंटर कर सकते थे, वो तो सब कुछ अभी बंद हो चुका है। तो वो प्लान मैं कैंसिल कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर घूमने वाला हूँ। आपका भाई नहा धो के रेडी हो चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं अभी कहाँ पर जा रहा हूँ यार, नाम भूल जाता हूँ बहुत ज़्यादा, आपको मालूम है बुलक करूँ। मैं अभी जा रहा हूँ अयोध्या और ये अपने रहे वीरेन भाई, जैसे कि हमने जो डॉक्टर साहब थे उधर चले गए भाई। तो थैंक यू सो मच। भाई के साथ ही आज नाइट मतलब स्टे किया था, मैं उस साइड सो रहा था, ये यहाँ पे सो रहे थे। तो थैंक यू सो मच भाई। और भाई ने सुबह सुबह में केले एप्पल और दूध भाई ने मतलब खिला दिया। और ये सेफ भी है साथ में भाई, बहुत ही ऐसा खाना बनाते हैं। मैंने जो मतलब रात में खाना खाया था ना, क्या ही बताओ, बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं भाई। और मतलब सब कुछ बना लेते होंगे ना भाई साहब। तो मैं रुका था वहाँ पे, कुछ ऐसी बिल्डिंग है भाई की पूरी प्रॉपर्टी है, जैसे कि वहाँ पे ऊपर मतलब रेंट पे दे रखा है और यहाँ पे नीचे ये लोग रहते हैं। और भाई का खुद का हॉस्पिटल भी है बहुत ही बड़ा, इतना बिल्डिंग कह रहा ना उससे डबल है। कुछ आइडिया नहीं है, रात को मैंने देखा था। अभी वहाँ से निकलते हैं तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। हेलो भाई, थैंक यू सो मच। और भाई ने ये ऑटो रिक्शा भी बुक कर दिया यहाँ से छोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। और मिलेंगे जल्दी जल्दी। अरे पक्का पक्का भाई। यहाँ से अयोध्या 1, 2, 3 यानी कि 123 किलोमीटर हो रहा है। चलो तो अयोध्या की साइड निकलते हैं। जय श्री राम। कमेंट पर अखीर नहीं दे दो थोड़े गुजराती बोले ना को, तो जल्दी चाहिए निकलो अयोध्या माटे। यूपी की कुछ ऐसी ट्रैफिक है भाई, बहुत ही ज्यादा। सॉरी भैया। अरे गोरखपुर गोरखपुर। हाँ भैया थैंक यू। बहुत ही तकलीफ हो रही है भाई। एक तो ये बा 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 और ये इतनी। चलिए मैं चलता हूँ आगे की साइड भाई, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रखी है। ये देखिए भाई अभी आगे की साइड जा रहा था और भैया मिले, भाई ने लिफ्ट दिया। और ये देखिए चाय पिलाने के लिए और ब्रेकफास्ट मतलब ना थोड़ा बहुत नाश्ता भी करवाने के लिए लेके आया। तो थैंक यू सो मच भैया। वैसे आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शेखर यादव है, मैं फ्रॉम लखनऊ से हूँ। और जितना हो सके उतना सहयोग करना चाहिए। कहते हैं ना, सागर से कुछ पानी अगर निकल जाए तो सागर की कीमत कम नहीं होती और बढ़ती है। इसलिए अपने जीवन में जो भी हो सके कुछ करते रहना चाहिए, जो भी मिले, चाहे जीव जंतु इंसान सहयोग कर सकता। हाईवे की साइड आते ही मुझे एक लिफ्ट मिल चुकी है, जो कि ये भैया है। तो देखता हूँ कहाँ तक जा रहे हैं, थोड़ी बहुत जो भी लिफ्ट मिल गया। भाई यहाँ पे मतलब ब्रिज उतर, जहाँ पे उतर रहा है ना ब्रिज, वहाँ तक ही जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, और कोई देख लेंगे हम। आगे बहुत सारी लिफ्ट आ ही रही है, भाई से पूछते हैं भाई आगे किसे जा रहा हूँ। ओके नहीं भाई भी नहीं रुके, बैक पे वेट बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये देखो यहाँ से अयोध्या 117 किलोमीटर। चलो चलते हैं अयोध्या की साइड। एक फिर से लिफ्ट। अभी मैं आगे की साइड जा ही रहा था और एक भाई को हाथ दिया, मतलब मैंने सोचा कि नहीं रोकेंगे, बट भाई भी बहुत ही स्पीड से जा रहे थे और सडनली रोक दिया। भाई के पूछते हैं कहाँ तक जा रहे हैं, देखते हैं। ये भाई है, आए भैया आगे से जा रहा। हाँ तो लिफ्ट दे सकते हो।
हाँ वैसे तो मैं अयोध्या साइड जा रहा हूँ, लिफ्ट लेके पूरा भारत घूम रहा हूँ। आप जहाँ तक जा सकते हो मुझे लोग से लिफ्ट दे सकते हो। ओके थैंक यू सो मच भैया। तो भाई एक फाइनल लिफ्ट मिल चुकी है, एक सेकंड। ओह बॉय, ओके भैया। अभी मैं जा रहा था यहाँ से अयोध्या की साइड और एक भाई मिला है। हाय भाई, कैसे हो भाई? आपका पहले नाम क्या है? शिवम। शिवम, अच्छा शिवम नाम है। अरे यार मैं कुछ अलग ही समझ रहा था, बाइक का था ना इसीलिए। तो भाई मिले थे यहाँ से 28, वैसे तो 5 किलोमीटर पीछे ही मुझे मिल गए थे, 5 या 10 किलोमीटर। तो करीबन 30 किलोमीटर का लिफ्ट मिल चुका है। तो भाई मुझे चाय पिलाने के लिए लेके आए हैं। तो भाई भी थोड़ा नाश्ता कर रहे हैं सुबह से। कहाँ से आ रहे हो आप? कहाँ से आ रहे हो वैसे? लखनऊ। अभी लखनऊ से आ रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई यहाँ से आप किस साइड वैसे जा रहे हो? रुदौली साइड। गटोली? रुदौली। रुदौली, अच्छा रुदौली साइड भाई यहाँ से जा रहे हैं। तो ये वाली हाईवे है मैन। तो भाई चाय पीने के लिए आए, तो चलो चाय पीते हैं बाइक के साथ। इस कप पे बहुत मस्त मिलती है भाई चाय, मज़ा आता है पीने में भाई, बहुत मस्त है चाय, तो बहुत ही टेस्टी है ये वाली। कुछ यहाँ पे चाय की जो शॉप है भाई, बहुत ही मस्त बनाते हैं चाय। अपना भी हाँ छोला पकौड़ी आ चुका है, भाई ने अपने लिए अभी मंगवा दिया है। तो भाई थैंक यू सो मच। छोला पकौड़ी मैंने ये कभी खाया नहीं है, पहली बार टेस्ट करूंगा छोला पकौड़ी। तो चलो टेस्ट करते हैं क्या है ये। भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेस्ट मिलता है और फ्रेश भी यहाँ पे ही मिलता है। टेस्ट करते हैं यहाँ पे, टेस्ट तो है बहुत मस्त, बहुत मस्त टेस्ट है भाई। थैंक यू सो मच। पहले ट्रैफिक देख लीजिए एक बार। ओ भाई साहब रास्ता ख़राब है ना, इसीलिए ये बन रहा है हाईवे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे थोड़ी देर हम रेस्ट कर रहे थे ऐसे ही। मतलब आपको बता दूँ कि ये भाई को यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर पीछे ही रुकना था। भाई मुझे सीधा अयोध्या की तरफ ड्रॉप करने के लिए आ रहा है भैया। थैंक यू सो मच। सीधा यहाँ अयोध्या के लिए ड्रॉप करने के लिए पहले तो, और यहाँ से आप अपने मौसी को मिलने के लिए जाओगे? मतलब मैं आपको बात समझा देता हूँ कि भाई पीछे की साइड रुकने वाला था, लेकिन बोला कि मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा आगे तक, और मेरे मौसी से 2 साल से नहीं मिला हूँ, तो मौसी से भी मिल लूँगा। तो भाई स्पेशल मुझे ड्रॉप करने के लिए आए हैं, और एक बात सही हो गया कि ये भी अपने मौसी से मिल लेंगे 2 साल के बाद। भाई चलो कोई नहीं, चल रहा है। ये भाई बैग भी गिर रखा, ये यहाँ से भी छूट गया। वेट इतना है ना, कभी भी टूट सकता है। देखिए ट्रैफिक। हाँ भाई ने मुझे यहाँ तक ड्रॉप कर दिया है, और मुझे यहाँ से ऊपर की साइड जाना है। यहाँ से 10 किलोमीटर अभी भी बाकी है। मैक्सिमम मोटा मोटा मुझे 70-80 किलोमीटर का लिफ्ट मिल चुका है भाई। भाई साहब 80 किलोमीटर में फिर से बाइक पे बैठ के आया हूँ। ये वेट इतना है ना, मैं क्या ही बोल सकता हूँ भाई। चलो उठा के थोड़ी और फिर से चलते हैं उस साइड। ऐसा कुछ डिस्टेंस है लखनऊ से लेके अयोध्या का, इतना भाई ने लिफ्ट दिया अभी मुझे। आई साहब 335 रुपीस बच गए लिफ्ट। छोटी सी लिफ्ट मिल गई थी, और अभी यहाँ से सिर्फ 2.6 किलोमीटर बाकी है। मतलब मेन हाईवे पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे लिखा है पावन नगरी अयोध्या। भाई साहब पहुँचने वाला हूँ जस्ट। यहाँ पे कुछ ऐसी ऑटो रिक्शा देखने को मिल रही है अयोध्या में, अयोध्या में नहीं पूरे यूपी में ऐसे ही मतलब मिल रही है ऑटो रिक्शा। तो कोई नहीं, ये यूपी की ऑटो रिक्शा है। ये कार है तो सब जगह पर है, मैं नहीं बोलूँगी ये कार। मैं अयोध्या के मंदिर साइड जा रहा हूँ। ओके थैंक यू सो मच भाई, एक लिफ्ट मिल चुके हैं। ये सामान पीछे की साइड रख देता हूँ। भैया मैं गुजरात से हूँ। ओके, मैं पूरा भारत घूम रहा हूँ लिफ्ट लेके। बिल्कुल, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? बस आपने लिफ्ट दिया वही बड़ी बात है मेरे लिए। आपको मंदिर तक छोड़ते हैं। थैंक यू सो मच। चलो तो फिर यहाँ से मैं मंदिर की साइड जा रहा हूँ। भैया ने सीधा मुझे मंदिर की साइड लिफ्ट दे दी। यहाँ से करीबन 2.5 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के आसपास हो रहा है। 1.5 किलोमीटर है ना? हाँ, तो चलो वहाँ पे सीधा चलते हैं, दर्शन करते हैं, और कल देखेंगे हनुमान छठी, जो कि दर्शन वगैरह करेंगे हनुमान दर्शन करिए, कनक भवन दर्शन करिए, हाँ नए घाट दर्शन करिए, घाट करिए, भरत दर्शन करिए भरत जी के यहाँ, हाँ और लाल साहब दरबार करिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद।
फाइनली भाई साहब मैं पहुंच चुका हूँ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। तो भाई ये देखिए पहले, ओ भाई साहब क्या ही लग रहा है, उस साइड भी कुछ है। अभी तो भाई मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं तो पहले जा रहा हूँ अंदर दर्शन करने के लिए, ठीक है। और जाती है तो बहुत ज्यादा दिख रहा है भाई, नहीं क्या अच्छा अभी सब कुछ बन रहा है भाई, देखिए इस साइड भी रेनोवेटेड चल रहा है और इस साइड भी। चलो आगे की साइड वॉक करना है, कैसे है पता करते हैं आगे की साइड।